क्रिकेट से जुड़ी हर अपडेट के लिए हमारे ऑल इन वन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल के नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं। दोस्तों, अगर आप भी सुरेश रैना को वापस से आईपीएल खेलते हुए देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक एक बार जरूर करते हुए चाहे। दोस्तों, आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन हो चुका है। सभी टीमों ने अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को अपनी टीम में शामिल किया है। सभी का स्क्वाड तेजी से भर गया है। ऐसे में लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम, जो इस साल एक नई फ्रेंचाइजी बनकर उभर कर आईपीएल 2022 में हिस्सा लेगी, उन्होंने भी अपनी तगड़ी टीम बना ली है। दोस्तों, लखनऊ सुपर जायंट्स का लोगो भी आ चुका है, उनकी टीम का नाम भी आ चुका है, उनके कोच है गौतम गंभीर। ऐसे में इनके साथ और दुनिया खिलाड़ी जैसे कि केएल राहुल इनकी टीम के कप्तान है और इनकी टीम में रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस पहले से ही खिलाड़ी थे और ऑक्शन में इन्होंने ये खिलाड़ियों को लिया है। केएल राहुल, रवि बिश्नोई, मार्कस स्टोइनिस, क्विंटन डिकॉक, मनन वोरा, एवन लुइस, मनीष पांडे, काइल मायर, करुण शर्मा, कृष्णप्पा गौतम, आयुष बदोनी, दीपक हुडा, कृणाल पांड्या, जेसन होल्डर, दुष्यंत चमीरा, शहबाज नादिम, मोहसिन खान, मयंक यादव, अंकित राजपूत, आवेश खान व मार्क वुड। ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों को आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में खरीदा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने। दोस्तों, इन खिलाड़ियों में से लगभग 7 खिलाड़ी फॉरेन के हैं और बाकी के खिलाड़ी भारत के हैं। दोस्तों, इनमें से किसी भी इसमें सुरेश रैना, युवराज सिंह या फिर पुरानी खिलाड़ियों का नाम शामिल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे काफी बड़ा राज है, वो हम आपको बताएंगे। दोस्तों, इसीलिए क्योंकि लखनऊ की टीम और दूसरे फ्रेंचाइजों ने इन बड़े खिलाड़ियों को इसीलिए नहीं खरीदा क्योंकि ये टीम में फिट नहीं बैठ रहे थे, इनकी एज ज्यादा है। हालांकि इनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन इनके लिए आज के पोटेंशियल के हिसाब से खेलना ये थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। एज अ प्लेयर तो ये खिलाड़ी टीम में नहीं खेल सकते, लेकिन एज अ मेंटर या फिर एज अ बैटिंग कोच या फिर एज अ क्रिकेटर के हिसाब से, फील्डरों के हिसाब से उनको नॉलेज देने के लिए नेट्स में खेल सकते हैं। ऐसे में सुरेश रैना को एज अ मेंटर लिया जा सकता है लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से या फिर दूसरे बड़े खिलाड़ी जैसे कि युवराज सिंह हो गए। ऐसे में इन सभी खिलाड़ियों का अब ऑक्शन में तो कोई काम है नहीं, इसी के लिए इन खिलाड़ियों को एज अ मेंटर लिया जा सकता है या फिर एज अ कोच, क्योंकि ये युवा खिलाड़ियों की लीग है। जैसे या फिर लखनऊ की टीम ने पहले ही 3 खिलाड़ियों को खरीद लिया था, उसके बाद बाकी के खिलाड़ियों को इन्होंने मेगा ऑक्शन में खरीदा, इसी के लिए इन बड़े खिलाड़ियों का नाम इस साल ऑक्शन से गायब है। सिर्फ ये 3 खिलाड़ी नहीं और कई बड़े ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस साल ऑक्शन में नहीं बिके। इनके पीछे सिर्फ यही राज है कि ये बराबर से टीम में बैठ नहीं रहे थे। आईपीएल एक ऐसी फ्रेंचाइजी है, एक ऐसी लीग है जहां युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है। ऐसे में बड़े नाम तो है, लेकिन इस साल आईपीएल में किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सुरेश रैना को कौन सी टीम का मेंटर बनना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए चाहें। दोस्तों, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में काफी ज्यादा रोमांच हुआ, जहां कई खिलाड़ियों ने काफी ज्यादा पैसा कमाया, तो वहीं कुछ ऐसे भी बड़े नाम हैं जिनको किसी ने नहीं खरीदा। आज हम आपको बताएंगे आईपीएल 2022 के कुछ ऐसे बड़े नाम जो एक वक्त पर आईपीएल के सितारे हुआ करते थे और इनको खरीदने के लिए हर फ्रेंचाइज दौड़ा करती थी, लेकिन इस साल में उनकी हालत ऐसी हो गई है कि किसी भी खिलाड़ी को किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं लिया। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें इन 10 बड़े नामों में काफी ज्यादा नाम शामिल है। सबसे बड़ा नाम आता है सुरेश रैना का, मिस्टर आईपीएल ने कहा जाता है, सबसे ज्यादा रन थे इनके आईपीएल में एक तरीके से, लेकिन इस बार वो अनसोल्ड गए, हालांकि उनकी खुद की टीम चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें नहीं खरीदा। दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के कप्तान, राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के कप्तान स्टीवन स्मिथ, जो कि ऑस्ट्रेलिया के कप्तान रह चुके हैं, इन्हें भी इस साल किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। दोस्तों, बांग्लादेश के नंबर 1 ऑलराउंडर शाकिब अल हसन, इनको भी किसी ने नहीं खरीदा, जो काफी ज्यादा एक सदमे वाली बात थी। ऐसे में दोस्तों, आप सभी को बता दें दूसरे अन्य खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो 4th खिलाड़ी आते हैं डेविड मिलर। दोस्तों, डेविड मिलर भी ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक वक्त पे सबसे ज्यादा आक्रामक खिलाड़ी हुआ करते थे, लेकिन इस बार उन्हें भी किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। उसके बाद बड़े और पुराने खिलाड़ी की बात करें तो वो आते हैं अमित मिश्रा। दोस्तों, अमित मिश्रा को भी इस साल किसी ने नहीं खरीदा। दोस्तों, उसके बाद आते हैं ऑयन मॉर्गन। दोस्तों, वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान इंग्लैंड के, इनको भी किसी ने नहीं खरीदा। ऐसे में ऑयन मॉर्गन पिछले साल ही फाइनल तक ला गए थे केकेआर की टीम को और इस साल वो अनसोल्ड हो गए और उन्हें किसी भी टीम ने नहीं खरीदा। दूसरे खिलाड़ी की बात करें तो वो आते हैं एरॉन फिंच। दोस्तों, एरॉन फिंच इस साल के वर्ल्ड कप विनिंग कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के, ऐसे में उनको भी किसी ने नहीं खरीदा, जो अपने आप में ही काफी ज्यादा शॉकिंग बात थी। उनके बाद आते हैं चेतेश्वर पुजारा। दोस्तों, पिछली बार चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स में तो खरीदा था, लेकिन इस साल चेन्नई सुपर किंग्स ने भी चेतेश्वर पुजारा को नहीं खरीदा। दोस्तों, ये थे कुछ बड़े नाम जिसको इस साल किसी भी फ्रेंचाइज ने नहीं खरीदा। दोस्तों, आपको क्या लगता है इनमें से कौन से खिलाड़ी को कौन सी टीम में जाना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन काफी ज्यादा शानदार रहा, जहां इस बड़े से मेगा ऑक्शन का आज पहला दिन था और कई ज्यादा खिलाड़ियों से तूफानी हथौड़े के नीचे आए और मालामाल हो गए। दोस्तों, आईपीएल 2022 के मेगा ऑक्शन में कई ऐसे तूफानी खिलाड़ी थे जिनके ऊपर कई तगड़ी बोलियां लगी और कई ऐसे खिलाड़ी थे जो अनसोल्ड भी हो गए। लेकिन दोस्तों, आपको बताइए आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी को, दोस्तों और कोई नहीं, ईशान किशन है, जिनको मुंबई इंडियंस ने खरीदा 15 करोड़ 25 लाख रुपए में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन दोस्तों क्या
क्या आपको पता है कि ईशान किशन से पहले एक और तूफानी खिलाड़ी सबसे महंगा बिक चुका है, वो और कोई नहीं भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह है। दोस्तों, इससे पहले 16 करोड़ रुपए में युवराज सिंह को खरीदा था दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम ने। ऐसे में साल के ऑक्शन का रेट है ईशान किशन का 15 करोड़ 25 लाख और युवराज सिंह के प्राइस था 2016 में दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से 16 करोड़ रुपए। ऐसे में अभी भी युवराज सिंह आईपीएल के इतिहास के भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बन रहे हैं। जी हां दोस्तों, उनका रिकॉर्ड इस साल भी कोई भी नहीं तोड़ पाया है। ऐसे में साल बीत गए, महीने बीत गए, लेकिन युवराज सिंह का नाम आज भी ऊंचा है। ऐसे में इसी के साथ युवराज सिंह अभी भी आईपीएल के इतिहास के भारत के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें, ईशान किशन दूसरे ऐसे खिलाड़ी बने हैं जो इतने महंगे बिके हैं, लेकिन नंबर 2 पर ईशान किशन तो आए हैं, लेकिन नंबर 3 पर भी युवराज सिंह ही है, जिनको बैंगलोर ने 14 करोड़ रुपए में खरीदा था। ऐसे में इस लिस्ट में टॉप 3 बल्लेबाजों की बात करें तो नंबर 1 पर युवराज सिंह है, नंबर 2 पर अब ईशान किशन आ चुके हैं और नंबर 3 पर वापिस से युवराज सिंह ही है। ऐसे में युवराज सिंह का नाम आज भी सबसे ऊपर सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। दोस्तों, उस वक्त 16 करोड़ रुपए काफी बड़ी बात थी जो आज भी कोई प्लेयर हासिल नहीं कर पा रहा है। ईशान किशन जैसा बल्लेबाज जिसे मुंबई इंडियंस ने इतनी ख्वाहिश से रिटेन किया, वो भी 16 करोड़ रुपए नहीं दे पाई, जबकि युवराज सिंह ने कई साल पहले ही ये करिश्मा कर दिया है। इसीलिए लोग युवराज सिंह को एक असली सिक्सर किंग और एक शेर दिल बल्लेबाज मानते हैं, क्योंकि उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाना लगभग नामुमकिन के बराबर है। ऐसे में ईशान किशन भी इस रिकॉर्ड को तोड़ नहीं पाए। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या युवराज सिंह को एक और बार आईपीएल खेलना चाहिए था या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, शुरू हो चुका है आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन। आईपीएल 2022 के लिए आने वाली है सभी टीमें अपने अपने खिलाड़ियों को चुनने के लिए। ऐसे में कई खिलाड़ी सुनहरे हथौड़े के नीचे आने वाले हैं और हम मारामार होने वाले हैं। दोस्तों, आपको बताएंगे पूरी डिटेल इस मेगा ऑक्शन के बारे में जो कुछ ही मिनटों में शुरू होने वाला है। दोस्तों, सबसे पहले ऑक्शन पूरी तरह से स्टार्ट होगा दोपहर 12 बजे 12 और 13 तारीख को, यानी कि आज। ऐसे में अगर पूरी डिटेल्स की अगर हम बात करें आईपीएल 2000 मेगा ऑक्शन की, तो कुछ ऐसी है। दोस्तों, ऑक्शन का टाइम 12 बजे से शुरू होने वाला है। 12 बजे से सभी खिलाड़ियों का ऑक्शन शुरू होगा। टोटल 600 खिलाड़ी हैं, जिसमें 377 खिलाड़ी भारत के हैं और 223 खिलाड़ी फॉरेन के हैं। ऐसे में 600 खिलाड़ियों की ऑक्शन होने वाली है। 200 स्टार स्पोर्ट्स और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसका लाइव प्रसारण होगा। 200 शुरुआती लिस्ट जो आएगी प्लेयरों की, वो मार्की प्लेयर से होगी, उनकी लिस्ट हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे। 200 एक टीम कम से कम 18 से 25 खिलाड़ियों को इस मेगा ऑक्शन में खरीद सकती है। तो ये 5 डिटेल है जो ऑक्शन के लिए पूरी तरह से जरूरी है। अब बात कर लेते हैं कौन से खिलाड़ियों से इस ऑक्शन की बोली शुरू होगी। दोस्तों, ये 10 खिलाड़ी हैं जिनसे शुरुआत होगी, यानी कि शुभ शुरुआत होगी ऑक्शन की। वो 10 खिलाड़ियों का नाम है। शिखर धवन से शुरू होगी बोली, उसके बाद मोहम्मद शमी आएंगे, उसके बाद ऑक्शन में फैफ डुप्लीसी आएंगे, फिर डेविड वार्नर आएंगे, फिर पैट कमिंस आएंगे, फिर उनके बाद दूसरे मार्की प्लेयर्स की लिस्ट की बात करें तो श्रेयस अय्यर आएंगे, उसके बाद रविचंद्रन अश्विन आएंगे, क्विंटन डिकॉक आएंगे, कगिसो रबाडा आएंगे और ट्रेंट बोल्ट आएंगे। दोस्तों, ये 10 खिलाड़ियों से ऑक्शन की शुभ शुरुआत और भोंड की होगी। ऐसे में ये 10 खिलाड़ी मार्की प्लेयर्स हैं। अब इनके बाद दूसरे खिलाड़ियों की बारी शुरू होगी और दूसरे खिलाड़ियों पर बोली लगाई जाएगी। ऐसे में 377 भारत के खिलाड़ी हैं जो इस ऑक्शन में अपना नाम डाल चुके हैं, जिसमें भारत के कोई पुराने खिलाड़ी भी शामिल है, जिनका नाम है श्रीशांत, जो कि एक तेज तरार गेंदबाज है। ऐसे में उनके साथ साथ भी दूसरे भी कई ऐसे अन्य खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपना नाम डाला है। टोटल 377 खिलाड़ी हैं, जिसमें से काफी ज्यादा बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ऐसे में जल्दी शुरू होने वाला है आईपीएल 2022 का मेगा ऑक्शन। दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन से खिलाड़ी को कौन सी टीम में लेना चाहिए? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों, भारत ने अपनी सरजमीन पर अपना झंडा लहरा दिया है वेस्टइंडीज के खिलाफ। 3-0 से भारतीय टीम ने वेस्टइंडीज को धूल चढ़ा दी है इस वनडे श्रृंखला में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, तीसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम ने 56 रन से जीत हासिल की, जिसके मैन ऑफ द मैच बने श्रेयस अय्यर, जिन्होंने 80 रनों की तूफानी पारी खेली थी। तो वहीं मैन ऑफ द सीरीज बने प्रसिद्ध कृष्णा, जो कि एक तेज तरार बॉलर है भारतीय टीम के। दोस्तों, आप सभी को बता दें, मैच के बाद रोहित शर्मा ने जीता हजारों करोड़ों भारतीयों का दिल। दोस्तों, जब रोहित शर्मा मैच खत्म होने के बाद ट्रॉफी लेने गए, तब रोहित शर्मा ने करोड़ों भारतीयों का दिल जीता। दोस्तों, रोहित शर्मा ने ट्रॉफी लेकर खुद लेकर फोटो नहीं ली ट्रॉफी के साथ, ट्रॉफी ली उन्होंने लेकर युवा खिलाड़ी जो कि अपने डेब्यूट पर थे इस सीरीज में, रवि बिश्नोई के हाथ में ट्रॉफी दी और बिना फोटो खिंचाए हुए कोने में जाकर ठहर गए रोहित शर्मा। दोस्तों, एक और बार भारतीय टीम की परंपरा को बरकरार रखा रोहित शर्मा ने। दोस्तों, इस मुकाबले में 20 तक आ गए थे रोहित शर्मा फोटो के लिए, लेकिन तभी उन्होंने ट्रॉफी रवि बिश्नोई के हाथ में दी और खुद सेंटर में भी नहीं ठहर गए, सीधा कोने में जाकर ठहर गए, पूरे यंगस्टर्स को बीच में ठहराया ताकि उनका मनोबल बढ़े, उनका कॉन्फिडेंस आगे और खेलने के लिए बढ़े। ऐसे में रोहित शर्मा ने ट्रॉफी देकर खुद साइड में होने का फैसला किया। ऐसे में रोहित शर्मा ने मैच भी जीता, रोहित शर्मा ने सीरीज भी जीती और रोहित शर्मा ने इसी के साथ करोड़ों भारतीयों का दिल भी जीता। दोस्तों, भारतीय टीम की यह परंपरा है कि कप्तान कभी भी ट्रॉफी के साथ फोटो नहीं लेता, वो ट्रॉफी ले जाकर सीधा युवा खिलाड़ियों के हाथ में देता है और युवा खिलाड़ी उस चीज को देखकर कॉन्फिडेंस लेते हैं और रोहित शर्मा ने अपनी परंपरा को बाखूबी निभाया। रोहित शर्मा के अंदर कप्तानी के पूरे गुण हैं, ऐसा नहीं है कि वो कप्तान उतने खास नहीं है। रोहित शर्मा बेहतरीन कप्तान है और
एक बेहतरीन लीडर है। इसके साथ विराट कोहली भी शामिल हो चुके हैं, तो अब भारतीय टीम और भी ज्यादा मजबूत और भारतीय टीम और भी ज्यादा खतरनाक नजर आ रही है। दोस्तों आपको भारतीय टीम की ये शानदार जीत कैसी लगी हमें कॉमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत और वेस्ट इंडीज की ओडीआई श्रृंखला काफी ज्यादा रोमांचक रही, जहां भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वेस्ट इंडीज को 3-0 से हराकर इतिहास रच दिया है। दोस्तों ये तीनों ही ओडीआई मुकाबले भारतीय टीम ने